अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेयरी फार्म। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो मुझे फरमाइश कर रहे थे, इनबॉक्स में मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि शाहिद भाई डेयरी फार्म के ऊपर कोई अच्छी सी वीडियो जरूर बनाई जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है डेयरी फार्म। ये कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इसके लिए जगह कितनी दरकार होती है, बिल्डिंग कैसी दरकार होती है, इसमें जानवर कहाँ से लाए जाते हैं, कैसे जानवर लाए जाते हैं, उनकी खुराक क्या क्या होती है, दोस्तों इनकी सेहत और सफाई का ख्याल कैसे रखा जाता है, इनकी प्रोडक्शन कैसी है, मार्केट कैसी है, प्रॉफिट कैसा है, तो दोस्तों ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जगह के बारे में कि इस कारोबार के लिए हमें जगह कितनी दरकार होती है। दोस्तों, जो एक मोटी मोटी चीज जो देहातों में अमूमन लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो ये कि एक मरला एक जानवर के लिए रखा जाता है। दोस्तों, उसमें यह है कि आधा मरला जो है वो उसको अंदर बांधने के लिए होता है जानवर को, और आधा मरला बाहर खुली जगह होती है जहां पे उसको ठहराया जाता है, क्योंकि मौसम सदा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश आती है, कभी आंधी आती है। तो दोस्तों, ये जगह तब्दील करना पड़ती है, दिन के वक्त बाहर या दिन के वक्त अंदर जानवर रखने पड़ते हैं, और सर्दियों में दिन के वक्त बाहर और रात के वक्त जानवरों को अंदर बांधना पड़ता है। तो दोस्तों, एक मरला अमूमन जो है ना वो कंसीडर किया जाता है कि ये काफी होता है एक जानवर के लिए। तो दोस्तों, ये जो डेयरी फार्म है, छोटा सा डिजाइन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बेसिकली ये 10 जानवरों का एक फार्म है। तो आप समझ ही गए होंगे कि 10 जानवरों के लिए जगह कितनी चाहिए, 10 मरले। 10 मरले कितनी बनती है? अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्क्वेयर फुट जगह बनती है। 5,000 स्क्वेयर फिट का मतलब 10 मरले। तो दोस्तों, ये जो कारोबार है ये अमूमन देहातों में, शहरों के बाहर, मुजाफाती इलाके, कस्बात में ये काम किया जाता है। शहरों के अंदर वैसे आजकल पाबंदी लगी हुई है, शहरों के अंदर जो है आप फार्म नहीं बना सकते, शहरों के बाहर बनाए जाते हैं। देहातों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ देहातों में मुख्तलिफ जगह जो है ना वो रेट है जगह के। मिसाल के तौर पर एक जगह मैं जानता हूँ, वहां 8,000 रुपये मरला भी जगह मिल रही है, एक जगह जहाँ 15,000 मिल रही है, एक जगह 20,000 मिल रही है, और दूसरी तरफ गांव में देहातों में ही कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लाख लाख रुपए मरला भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये आबादी के बाहर बनाए जाते हैं अमूमन, और एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ये 20,000 रुपया मरला एवरेज निकाला जाता है कि 20,000 रुपये मरला में ये जगह मिल जाती है। 10 मरले मतलब 2 लाख रुपया। कुछ दोस्त मेरे शायद इस बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन जो दोस्त देहात से हैं, गांव से हैं, कस्बों से हैं, वो जानते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं ये वाकई ही ऐसे है। 15,000 रुपया 20,000 रुपया में मरला गांव के बाहर जो है वो रकबा मिल जाता है। दोस्तों, उसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि वो कैसे मिल जाता है। एवरेज जो रेट चल रहा है फी एकड़ का, वो 15 लाख रुपया है। 15 लाख रुपया फी एकड़। एक एकड़ के अंदर 2 बीघे होते हैं, और एक बीघे के अंदर 4 कनाल होती है, और एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, यानी 20 मरले जरा 8 कनाल, 160 मरले, और रेट क्या है 15 लाख। यानी आप खुद डिवाइड कर लें कि ये कितना बनता है। ये जो मैं एस्टिमेट बता रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, जगह को क्लोज करते हैं, इसके लिए 10 मरले जगह चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग की तरफ आते हैं। दोस्तों, बिल्डिंग जो है इसकी सबसे पहले इसके लिए 4 दीवारी रिक्वायर्ड है, 4 दीवारी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो रकबा अपना रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, उनके ऑलरेडी डेरे बने हुए हैं, मुरब्बे बने हुए हैं, तो वो जो है बिल्कुल अगर बिल्डिंग ना भी बनाना चाहें तो ना बनाएं, क्योंकि एक तो उनके पास जानवर बांधने की ऑलरेडी जगह बनी होती है, दूसरा ये है कि जिन लोगों की अपेयरेंस होती है अपने देहातों के अंदर खेतों के ऊपर, डेरों के ऊपर, तो उन लोगों को 4 दीवारी की जरूरत नहीं होती। वो दरख्तों के नीचे वैसे भी जानवरों को बांध सकते हैं, 1-2 कमरे ही उनके लिए काफी होते हैं, लेकिन बड़े कमरे। तो दोस्तों, वो तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी डेरे बने हुए हैं, जिनके नहीं बने हुए उनके लिए 4 दीवारी बनाना बहुत लाजिम है। 4 दीवारी कितनी? कम से कम 6 फुट तो होनी चाहिए, ताकि अंदर बाहर से गुजरते हुए आते जाते हुए लोगों को नजर ना आ सके कि अंदर जो है ना वो जानवर बने हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यानी पर्दा रखना पड़ता है। तो दोस्तों, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इसके लिए आपको खर्चा कितना रिक्वायर्ड होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने के लिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका जो 10 मरले है 45 फुट लंबाई है, 45 फुट चौड़ाई है, या 50 फुट ले लें कि 50 फुट लंबाई है, 50 फुट चौड़ाई है, तो 4 जो तरफे हैं, अतराफ हैं, वो 200 फुट होगी। 200 फुट को आप जरा दे लें 12 से, 12 इंच है आप, यानी इंचों में बना लें, 12 × 2 = 24, आप देख लें 2400 इंच हो गए। 2400 इंच पे अगर आप 4 इंच की दीवार बनाना चाहें 2400 इंच के ऊपर, तो तकसीम नौ कर दे, क्योंकि 4 इंच जो ईंट है वो ऐसे लगती है, ये जो है ये 9 इंच होता है। तो 2400 × 9, आपका एक रद्दा निकल आया, 1 फुट के अंदर 4 रद्दे लगते हैं, 6 फुट बनाना है, 6 × 24 ईंट लगेगी आपकी एक रद्दे में, 24 जरा वो जो आपने ईंट निकाली है वो आपकी ईंट निकल आएगी कितनी है। अच्छा, अब ये कच्ची दीवार भी बनाई जा सकती है और पक्की भी बनाई जा सकती है। ईंटें आपने निकाल ली, अप्रोक्सीमेटली मेरा अंदाजा शायद 10,000 ईंट है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, अगर ऐसे बनाई जाए 9 इंची बनाई जाए, 4 इंची बनाई जाए तो 5,192 के करीब बनती है, और अगर 9 इंची बनाई जाए यानी ईंट को ऐसे रखा जाए ऐसे, तो ये 4 इंच बनती है, ऐसे रखा जाए तो 9 इंच बनती है। अगर आप 4 इंच ही बना रहे हैं दोस्तों तो फिर 5,192 चाहिए, अगर ऐसे रख रहे हैं ईंट ईंट के साथ ईंट ऐसे यानी 9 इंच बना रहे हैं, तो ये आपको चाहिए तकरीबन 10,000
300 के करीब, 400 के करीब आपको ईंट चाहिए। ईंट का जो रेट चल रहा है 25,000 रुपए एवरेज चल रहा है, 5,000 ईंट का, यानी 5,000 रुपए 1,000 ईंट के, तो 5 रुपए ईंट के हैं, तो 10,000 जरा 5 आप करेंगे तो 50,000 रुपए की आपकी ईंट लगेगी। तो दोस्तों इसके लिए जो सीमेंट मसाला मजदूरी सब कुछ मिला के जो पैसे आपको दरकार हैं, जितनी ईंट के पैसे होते हैं अमूमन उतने ही पैसे रखे जाते हैं, उसमें से कुछ बच जाते हैं, तो 1,00,000 रुपए आपकी चार दीवारी का लगेगा। अब उस चार दीवारी की दो साइडें जो है, यानी आपकी मिसाल के तौर पर जनूब वाली साइड और मगरिब वाली साइड, या जनूब मगरिब और मशरिक, तीन दीवारें, इनके ऊपर आप छोटे छोटे पिलर दो दो तीन तीन फुट के बना लें और एक साइड पर पिलर जो है ना वो पूरे बना लें, तो आपका जो है ना वो एक छत बन जाएगी ऐसे, यानी आप उनके लिए एक बरामदा टाइप बना सकेंगे। तो वो बरामदा जो है उस पर जो है अप्रोक्सीमेटली खर्चा जो है वो भी तकरीबन 1,00,000 रुपया आता है, क्योंकि उसमें टीआर डालेंगे, गार्डर डालेंगे, ऊपर बेशक पतले डाल लें आप, काने की बनी हुई पतले वो डाल लें, उससे भी काम चल जाता है, गुजारा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ये नहीं कि सिर्फ गुजारा हो जाता है, अच्छा बन जाता है, 5-6 साल कहीं नहीं जाता वो छप्पर जो है ना वो बना हुआ। तो दोस्तों 2,00,000 रुपया की आपका रकबा है, 2,00,000 रुपए की आपकी तकरीबन जो है ना वो बिल्डिंग है, 4,00,000 रुपए उसके अंदर जो आपने छप्पर बनाना है, जो शेड बनाना है बेसिकली, उसके अंदर आपने एक खुरली रखनी है, दीवार के साथ साथ रख लें बेशक, या दरमियान में रख लें, आधे जानवर इधर बांध लें आधे इधर बांध लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप एक साइड पे बांधें, क्योंकि आपके पास जो रकबा है जगह है वो 10 मरले है, 10 मरले बहुत ज्यादा जगह भी नहीं होती, तो आप खुरली जो है वो दीवार के साथ एक साइड पे ही बनाएंगे ताकि सारे जानवर एक ही तरफ मुंह करके खाना खा सकें, सॉरी चारा खा सकें। तो दोस्तों बिल्डिंग जो है वो आपकी तकरीबन 2,00,000 रुपए में तैयार हो जाती है, साथ में आपने एक छोटा सा बरामदा शेड या कमरा जो है ना वो अलहदा से जरूर बनाना है, वो भी किसी एक कॉर्नर में आप बना सकते हैं, उसमें यह है कि आप अपने औजार रख सकते हैं, जो वहां पे मुलाजिम रखना है उसके रहने की जगह वो बन सकती है, वहां पे जो है ना कोई ड्राई चीजें खुश्क चीजें जो है या जानवरों की वो वहां पे रखी जा सकती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो जानवर बच्चे देते हैं उनको एक दिन या दो दिन के लिए अलहदा रखना पड़ता है किसी एक कमरे के अंदर, तो वो कमरा उसके उस काम भी आ सकता है, यानी एक आपको कमरा बेशक वो कच्चा ही बना ले आपको अलहदा उधर रखना पड़ सकता है। अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं कि बिल्डिंग पे इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते, तो एक बहुत आसान सा हल है कि कच्ची मिट्टी जो होती है उसकी दीवारें बनाई जा सकती है। अमूमन जो देखा है हमने कि वो पठान वो हम यहाँ देहातों में ये कहते हैं कि यार वो पठाना वाली दीवारा बनवा लो, कंधा बनवा लो, वो पठान क्या करते हैं जहां पे आपने दीवारें बनानी होती है वहां पे ना साथ में थोड़ा थोड़ा पानी खुदाई करके पानी छोड़ देते हैं और एक या दो दिन के बाद आते हैं और वो मट्टी उठा उठा के बेलचे के साथ ऐसे पहले एक एक लेयर बनाते हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से दो दो लेयर तीन तीन लेयर, यानी वो कच्ची मट्टी की उसी रकबे के अंदर से मट्टी कलेक्ट करके दीवार के साथ साथ से वो दीवार बना देता है, वो बहुत सस्ती पड़ती है, उसमें ईंटों का खर्चा तो है ही नहीं, सिर्फ मजदूरी मजदूरी आपने देनी है पानी देना। तो दोस्तों उसमें आपने एक चीज और बनानी है बिल्डिंग के अंदर कि पानी वाला हौज लाजमी बनाना है ताकि जानवर जो है वो चारा तो खाते ही खाते हैं तो साथ में पानी जो है ना वो पी सकें, थोड़ा सा खुला सा बना लें वो, ये यानी 7-8 फुट लंबाई में और 3-4 फुट चौड़ाई में बना लें ताकि उसमें पानी जो है ना जानवर पिए रोजाना, उसमें सुबह दोपहर शाम आपने 3 वक्त पानी तब्दील करते रहना। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं, बिल्डिंग जो है यहाँ पे क्लोज, 2,00,000 रुपया रकबा, 2,00,000 रुपया बिल्डिंग, 4,00,000 रुपया खर्चा साइड पे क्लोज। आगे चलते हैं दोस्तों कि हमने इसमें उसके बाद क्या करना है, औजार लेने, हमने औजार क्या लेने, देखें जानवर जो होते हैं वो दूध देने वाले उनके छोटे बच्चे होते हैं, समटाइम वो दूध नहीं पी रहे होते या उनको कोई मसला होता है, उनके लिए फीडर चाहिए, 2,000 रुपए के फीडर आ जाते हैं, फीडरों के अलावा आपको एक टोका मशीन चाहिए जो चारा काट सके, चारा काटने के लिए टोका मशीन वो चाहिए आपको, एक पानी वाला पंप चाहिए जो पानी पिलाने के लिए या छिड़काने के लिए और जानवरों को नहलाने के लिए, दूध निकालने के लिए आपको बाल्टियां चाहिए, बाल्टियां देख लें आप 5, 6, 7, 8, 10 जितनी लेना चाहते हैं बाल्टियां ले लें, कोई 2-3-4 आपको ग्लास भी लेने पड़ेंगे। अच्छा तो दोस्तों ये छोटा छोटा सामान है, ये कोई बहुत लंबा छोटा सामान नहीं है, ये जो है ना तकरीबन 50,000 की रेंज में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी, 50,000 रुपया औजार, टॉपिक क्लोज। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है इसके बाद स्टाफ, स्टाफ कितना रखना है, दोस्तों इसके लिए कुछ स्टाफ लंबा चौड़ा नहीं चाहिए आपको, अगर एक बंदा मिल जाए अच्छा मिल जाए मेहनती मिल जाए तो एक ही बंदा काफी है, अमूमन लोग रखते भी एक ही बंदा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है समटाइम उन्होंने छुट्टियां जाना है, देखिए खुशी गमी सब इंसानों के साथ है, उसने किसी शादी पे जाना है, किसी फौतकी पे जाना है, कोई घर के अंदर उसके कोई मसला है वहां पे जाना है उसने, वैसे भी छुट्टियां जो है ना वो थोड़ी सी थोड़ी क्या ठीक ठाक करनी चाहिए, छुट्टियां हक बनता है सब लोगों का, तो दोस्तों उसने छुट्टी जाना जब तब प्रॉब्लम बनता है, उसमें यह है कि मालक खुद अपनी जो है ना पेरेंट्स वहां पे रखे खुद काम कर सके, या फिर जब उसने छुट्टी जाना डेली वेजेस पे बंदा अरेंज किया जाए, अमूमन जो मैंने देखा है देहातों के अंदर शहरों देहातों के अंदर कस्बों के अंदर जो लोग स्टाफ इस तरह के रखते हैं उनको 5-6 या 7,000 रुपए सैलरी देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, और जब गंदम की कटाई होती है उसके ऊपर वो अपना गंदम वगैरह दी जाती है, लेकिन हम सारी चीजों को कंक्लूड के साइड पे रखते हुए हम कहते हैं कि 10,000 रुपया उसकी सैलरी लमसम डन, तो 1 साल की 1,20,000 रुपए, लेकिन इसको आपने अभी खर्चे में काउंट नहीं करना क्योंकि वो आपने जब फॉर्म बना लेना है आपकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी तो उसमें से निकाल के देना, इसको अभी खर्चे में काउंट ना करें 1,20,000 रुपए को, इसको साइड पर रखें ये क्योंकि फौरी तौर पे खर्चा हमने नहीं करना। अब आते हैं खुराक की तरफ,
टॉपिक्स को साथ साथ क्लोज कर देते हैं। खुराक इसकी ये है दोस्तों, सबसे पहले तो सबज चारा चाहिए। सबज चारा जो है वो बहुत जरूरी है, सबज चारे के बगैर ये जानवर जो है ना वो यानी दूध नहीं दे सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबज चारा, अगर तो आप जिम्मेदार हैं, आपका अपना रकबा है, वेल एंड गुड, आप थोड़ा से 1 बीघा 1 एकड़ जो है ना वो चारा काश कर सकते हैं और बार बार जैसे जैसे फसल तब्दील होती है उस हिसाब से करते रहते हैं। अगर नहीं है तो फिर कोशिश ये करें कि आप 1 बीघा या 1 एकड़ जो है ना वो ठेके पे ले लें। अगर ये भी नहीं कर सकते या नहीं करना, आपने इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो दोस्तों एवरेज जो हमने निकाली है, हमने क्या निकाली है, ओवरऑल पाकिस्तान में निकाली जाती है, वो ये है कि एक जानवर तकरीबन 300 रुपए का बंडा जमा चारा जो है ना वो खा जाता है। उसमें ये है कि कोई 5 केजी, 4 से 5 केजी के दरमियान बंडा डाला जाता है, 20 से 25 केजी के दरमियान चारा डाला जाता है, थोड़ा सा भूसा यानी तूड़ी जो वो मिलाई जाती है। दोस्तों खुराक में ये है कि इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी आती रहती है, हर मौसम के लिहाज से फसलें होती हैं, चारे होते हैं, तो समटाइम ये होता है कि चारे की किल्लत भी हो जाती है, शॉर्टेज भी होती है, उसमें परेशानी नहीं होती। परेशान नहीं होना तो उसमें यह है कि गंदम का दलिया भी डाला जा सकता है, थोड़ा सा तूड़ी के ऊपर जो है ऐसे डाला, खिला के हल्का सा आटा छिड़काव किया, पानी डाला, वो भी खिलाया जा सकता है, थोड़ा सा बन्ना मिला के, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है, ये आरजी हल है। तो दोस्तों 300 का अगर जानवर एक चारा खाता है तो 10 जानवरों की फिजिबिलिटी है। 300 × 10, 3,000 रुपए का डेली खाना खाना है और चारा खाना है जानवरों ने, 3,000 पर डे। जरब साल में 365 दिन होते हैं, जरब 365 कर लें तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कितना, 10,95,000 समथिंग बनता है एक साल का जो है ना इनका खर्चा चारा जात का। लेकिन इसको आपने खर्चे में अभी काउंट नहीं करना, क्यों, ये साथ साथ जब प्रोडक्शन होगी पैसा कमाएंगे लगाते चले जाएंगे। पहले महीने का आप जो है ना वो काउंट कर लें कि आपको 1 लाख रुपया आपने रखना है, क्योंकि 1 लाख रुपया तो वैसे भी इतना इतने प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसको रनिंग में लेके आना है। लेकिन लोग नहीं भी रखते, जरूरत भी नहीं होती, समटाइम जिनके अपना जिम्मेदारा है, रकबा है, उन लोगों को जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, इसको सिर्फ अपना जो है ना रोजगार का जरिया है इसी को मान के चल रहे हैं और बाकी कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए फिर 1 लाख रुपया आपके पास होना लाजमी है। चैप्टर को क्लोज करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जनाब इसका सेहत और सफाई का ख्याल। देखिए आपने जो फर्श बनाना है शेड के अंदर वो पुख्ता या नीम पुख्ता होना चाहिए। दोस्तों उसकी सफाई जो है ना वो डेली होनी चाहिए। जानवर अंदर बांधे हुए हैं, जब उसको आपने बाहर शिफ्ट किया है तो अंदर वाले जगह की सफाई हो जाए, ताकि जब आपने उनको शिफ्ट करना है अंदर तो उस वक्त तक वो खुश्क हो चुका हो, और जब जानवर बाहर से अंदर बांधे जा रहे होते हैं तब बाहर वाली जगह जो है उसको खुश्क किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, ताकि वहां पे जरासीम वगैरह ना फैले, गंद ज्यादा वहां पे ना रहे। इनमें जो बीमारियां आती हैं अमूमन जानवरों के अंदर वो दो हैं, मुंह खुर की आती है, गलघोंटू की आती है। इसकी वैक्सीनेशन जो है ना वो करवाई जाती है, डॉक्टर्स अमूमन देहातों के अंदर हफ्तावार जो है ना वो आते हैं, सरकारी भी आते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। प्राइवेट तो जब भी फोन करो वो आ जाते हैं, उन्होंने अपनी फीस लेनी होती है, और फीस को लंबी चौड़ी नहीं, 100-150 रुपया 200 रुपया फीस लेते हैं वो विजिट का, आपके जानवरों को वैक्सीनेशन करके चले जाते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि हर महीने बाकायदगी के साथ अपने जानवरों को चेक करवाएं, क्योंकि वहां सिर्फ बड़े जानवर नहीं है, दूध देने वाले जानवर है तो जाहिर उनके बच्चे भी हैं, बछड़े वगैरह भी हैं, तो उनको जो है ना ज्यादा बीमारी का खर्चा रहता है। तो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सेहत और सफाई के लिए डॉक्टर को आप हर महीने लाजमी चेकअप जो है ना अपना करवाएं। टॉपिक इसका जो एस्टिमेट लगाया जाता है एक साल के अंदर 10 जानवरों का, 10,000 रुपए खर्चा लगाया जाता है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी शामिल नहीं करता करना, क्योंकि ये साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। दोस्तों इसको भी यहां पे क्लोज करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं जानवर, कि जानवर हमने कैसे लेने हैं, कहां से लेने। जिन लोगों को तजर्बा नहीं है जानवर लेने का, मेरे भाई सबसे पहले वो ये करें कि किसी अच्छे से व्यापारी को मिले, व्यापारी को कहें भाई मैं आपको 1,000 रुपया पर जानवर कमीशन दूंगा, आपने मुझे जानवर खरीद करके देने हैं। दोस्तों वो 1,000 रुपया कमीशन लेता है, आपको अच्छे जानवर ढूंढ के देता है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर जितने भी फार्म बनाए जाते हैं वहां पे ये एस्टिमेट रखा जाता है कि 50-50 की रेशियो से जानवर रखे जाते हैं, यानी आधे गाय रखी जाती है, आधे जो है ना भैंसे रखी जाती है, और लेकिन प्रोडक्शन लेवल जो है दूध का या जानवरों के बड़ा होने का, बच्चों का बड़ा होने का, वो सबसे ज्यादा है गाय का। लोग ज्यादा गाँव की तरफ मुतवजे होते हैं, भैंसों को जो है ना वो ज्यादा तरजीह नहीं देते। लेकिन बेहतर यह है कि आप जो है ना वो भैंसे रखे, भैंसों का दूध बेशक थोड़ा सा कम होता है लेकिन वो गाढ़ा होता है, उसका रेट ज्यादा होता है, और दूध के अपना भैंस के दूध को पसंद भी किया जाता है। रावी नीली भैंस, साहिवाल के एरिया की भैंस जो है ना, रावी के किनारे कंडे जो जितना इलाका है, बेल्ट है तकरीबन 70-80 किलोमीटर का, वहां की भैंसें बड़ी मशहूर भैंसें, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए की वहां पे भैंसें मिलती हैं। वो दूध भी बहुत देती हैं और जो है ना काफी सेहतमंद और तगड़ी होती हैं। लेकिन इसमें हमने एस्टिमेशन ये रखनी है कि हमने अपने जो जानवर लेने हैं वो 1,25,000 रुपया पर जानवर के हिसाब से लेना है। कोई 1.5 लाख रुपए की रेंज तक भी हो सकता है और कोई 1 लाख रुपए की रेंज तक भी हो सकता है। हमने एवरेज 1,25,000
20,000 रुपए में जानवर लेने हैं, और जानवर हमने ढूंढ के लेने हैं। गाय जो है बेसिकली साहिवाल की जो गाय है वो बड़ी मशहूर गाय है, इसके काफी जगह पे फार्म भी बने हुए हैं। ओकाड़ा में मैंने फार्म देखा है, खानेवाल में जगह है जहांगीराबाद, इधर मेरा ख्याल है कच्चाकू के नजदीक है, वहां पे बहुत सारी गाय है, नंबर उनके लगे होते हैं और बड़ी खूबसूरत कान के अंदर उनके टैग लगे होते हैं। साहिवाल गाय ये दूध देने के लिहाज से ठीक है, लेकिन साहिवाल के साथ जो क्रॉस गाय होती है ना, ऑस्ट्रेलियन खासतौर पर फ्रीजन जो है, उनका तो दूध देने का स्टैंडर्ड ही कुछ और है यार, क्या प्यारी गाय है। देखें ऑस्ट्रेलियन गाय बहुत महंगी है, फ्रीजन गाय जो है ना वो बहुत महंगी है, उनके खर्चे भी ज्यादा है, 2.5-3 लाख रुपए की वो गाय है, दूध भी बहुत देती है, लेकिन उनको संभालना हर बंदे के बस की बात नहीं है दोस्तों। उनकी सबसे ज्यादा जो है ना वो गर्मी बहुत महसूस करती है, गर्मी से बचाने के लिए बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, लिहाजा गायें हमने वही लेनी है जो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी ब्रांड ही हो, और वो जो है ना अच्छा दूध देती हूँ। बड़ी सारी हैं और बड़ी सारी लॉट ऑफ वैरायटीज हैं, अब तो मुझे नाम भूल गए, एक वक्त था जब मुझे जानवरों के नाम ऐसे अजबर याद होते थे, फलानी नस्ल, फलानी जो है ना वैरायटी, फलानी जगह की गाय वो इतना दूध देती है, वो इतने महीने में बच्चा उसका बड़ा हो जाता है, और उसकी झालर इतनी होती है उसका जनाब, तो सारी यानी चीजें मुझे अजबर थी। अब तो बड़ा अरसा हो गया इस फील्ड से निकले हुए। तो दोस्तों ये जो है ना आपने 1,25,000 रुपए तकरीबन एवरेज रखना है आपने जानवरों के लिए। दोस्तों 10 जानवर है, 1,25,000 जरा 10, 12.5 लाख रुपया ये इन्वेस्टमेंट में शामिल है, इसको साइड पे रखें, टॉपिक को क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 2 लाख रुपए की जगह, 2 लाख रुपए का बिल्डिंग, 4 लाख रुपया, 50,000 रुपए के औजार, 4.5 लाख रुपया, 12.5 लाख के जानवर, 12.5 और 4.5, 13 और 4, 17 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख रुपए आपने चारे के लिए रखना है, 18 लाख रुपए, लेकिन 18 लाख रुपए में आपका जो बिजनेस है ये जम के चलेगा दोस्तों। ये ऐसा वैसा बिजनेस नहीं चलेगा कि यार ये थोड़ा बहुत यार टिप टिप टिक टिक जो लगी होती है, कभी बंदे को लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, नहीं। अभी तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया है, अब देखते हैं प्रोडक्शन की तरफ आते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट को क्लोज करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन, एक गाय या एक भैंस जो एवरेज दूध देती है 2 टाइम का, सुबह और शाम का मिला के, वो 10 किलो है, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम। ये हमने अच्छे वाली गाय और अच्छे वाली भैंस से लेनी है, ये नहीं हमने 40-50-60-70 हजार वाली गाय ले ली और फिर कहें यार ये दूध नहीं देती, उसका खर्चा ही बढ़ाने वाली बात है, खर्चा बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अच्छी गाय लेंगे, ढूंढ के लेंगे, तसल्ली से लेंगे, घूम फिर के लेंगे, बेशक हमें जानवर ढूंढने में 1 महीना लग जाए, लेकिन हमने अच्छे जानवर, दूध देने वाले जानवर लेने हैं। तो दोस्तों 10 किलो एक जानवर का एवरेज दूध, कुछ कम भी देंगे, कुछ इससे ज्यादा भी देंगे, तो 10 जानवर है, 10 ज़रब 10 = 100, 100 किलो दूध आपका एक दिन का है, 100 को जरब जरब दे लें आप 365 के साथ, 365 ज़रब 100, ये हो गया तकरीबन 36,500 लीटर, 36,500 लीटर को आप जब जरब देंगे 60 रुपए फी लीटर के हिसाब से, 36,500 ज़रब 60, ये तकरीबन 21 लाख समथिंग बन रहा है, 22 लाख रुपए तकरीबन बन रहा है। आप जो है ना सालाना जो मैंने आपको चारे का खर्चा बताया 11 लाख रुपया, 11 लाख 22 में से निकाल दें तो फिर 11 में से आप जो है ना 1,20,000 बंदे की तनख्वाह भी निकाल दें, 9,80,000 रुपया, 80,000 रुपया मेडिकेशन, सफाई, ये वो दिस दैट सारी चीजों पे निकाल दें, फिर भी आपके पास 9 लाख रुपया बचता है, 9 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता। अभी आप कुछ दोस्त जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, शायद भाई ये सारा साल तो दूध नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, लेकिन इनका प्रॉफिट कम नहीं होता, पूछे कैसे, आप सिर्फ दूध से तो अर्निंग नहीं कर रहे, जो भैंसों के या गायों के जो बछड़े हैं, बच्चे हैं, वो भी तो जवान हो रहे हैं, 1 साल का जो बच्चा है वो कितने में बिकता है, 50,000 रुपए का बिकता है कम से कम, और ईद बकरा ईद पे अगर वो जवान हो जाए तो इसकी कीमत और भी ज्यादा होती है। तो 50,000 ज़रब 10 = 5 लाख, अगर वहां से आपका दूध कम हो रहा है तो यहां से जानवरों का रेट जो है ना वो ज्यादा हो रहा है, यानी आपके जो बछड़े हैं वो बड़े हो रहे हैं, वो भी तो बिकने हैं, और जब 2 से 3 मरतबा गाय और भैंस जो है वो ब्याह जाती हैं तो फिर उनका प्रोडक्शन लेवल दूध का और ही होता है, वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। दोस्तों क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम इसका मार्केट की तरफ। मार्केट दोस्तों, दूध की मार्केट पाकिस्तान के अंदर एवर फॉर एवर दोस्तों, ये तो कभी खत्म ही नहीं होती, जितना भी दूध हो यानी आपके पास सेल हो जाता है, देहातों में, गांव में, घरों में इस्तेमाल हो जाता है, दूध दही वाली दुकानों वाले ले जाते हैं, दूध कलेक्ट करने वाली कंपनियां ले जाती हैं, जैसे ये मिल्क पैक वाले हैं, नेस्ले वाले हैं वगैरह वगैरह, ये इकट्ठा करें, चिलर वाले ले जाते हैं आपसे, तो होटलों वाले ले जाते हैं, शादी ब्याह की जो अपना शादी हाल वगैरह वो ले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है इसकी, यानी मार्केटिंग का तो हर बंदे के जहन में कंसेप्ट है यार दूध तो बिक जाना है, दूध तो बिकना ही बिकना है, अगर दूध दही की दुकान भी साथ अपनी बना लें सोने पे सो आ गया फिर तो बल्ले बल्ले। दोस्तों इसको क्लोज करते हैं, आगे आते हैं सबसे आखिरी जो टॉपिक है कि इसको काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी हम उसकी तरफ आते हैं, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। दोस्तों मेरा ख्याल है कि बताने की जरूरत नहीं है कि इसका यार ये मक्खी क्यों तंग कर रही है, मुझे कहां से आ गई है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कंक्लूजन तो मेरा ख्याल है कि निकल चुका है, प्रॉफिटेबल काम है और बहुत अच्छा काम है, और जो दोस्त करना चाहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज्यादा सोचना चाहिए, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि यार इस काम को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बस थोड़ा बहुत तजर्बा होना चाहिए,
थोड़ा सा जो है ना इस काम को समझने की जरूरत है कैसे करना है। एक आदमी ना लगा लें किसी के साथ, कुछ नहीं होता, किसी फार्म वाले को मिल लें, एक दो मरतबा विजिट कर लें, एक दो तीन चार फार्म विजिट कर लें, तो ये कोई यानी इतना बड़ा मसला नहीं है। दोस्तों वीडियो को क्लोज करते हैं, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। दुआ में याद रखिए, शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।